तो जी मेरी सुबह का आगाज कुछ इस तरह का हुआ कि मैडम शेजिल उठ के नहा रही हैं। ओ वाओ शेजिल, मेरा बेटा पहली दफा नहा रहा है। शेजिल को जी फर्स्ट टाइम हमने बारिश दिखाई है, लाइक अभी माशाल्लाह कुछ दिनों पहले, तो 1.5 साल की हुई है उसको, कुछ दिनों पहले तो समझ में आया कि क्या है, तो वो खुद ही नहा रही है। शेजिल हाय शेजिल, गंदा ये क्या कर रहा है, नहा रहे। अच्छा हमारे सिर्फ नहीं यहाँ तक बारिश आती है और वो वहां वहां भी भाग रही है। जी मैं अभी अभी सो के उठी हूँ और मेरी हालत तो नहीं है व्लॉग बनाने वाली, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मौसम बहुत प्यारा है और कुछ अच्छा सा करते हैं, कुछ अच्छा सा नाश्ता करते हैं बाहर जाके। तो शेजिल यहाँ पे इंजॉय कर रही है, वो अपना नहा रही है, तो मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। Give it to me like और पता है आपको, शादी से पहले मैं ना एक दिन बाद नहाती थी या दो दिन, मतलब अगर गर्मी होती तो एक दिन बाद और अगर सर्दियाँ होती थी तो दो दिन बाद। जब मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड डेली नहाते थे, तो आपको पता है जैसे इंसान के साथ रहता है बंदा भी वैसे हो जाता है। इवन मैं जब न्यू मामा बनी थी, लाइक शेजिल हुई थी, तो मैं उसको भी नहीं नहलाती थी। मैं कहती थी क्यों अब इतना कमर थकाऊँ और उसको नहलाऊँ, लेकिन अब मेरी डेली रूटीन है, खुद भी नहाती हूँ, शेजिल को भी नहाती हूँ, रोज़ नए कपड़े पहनाती हूँ और खुद भी पहनती हूँ। तो अब मेरी ये रूटीन है, तो मैं डेली नहाती हूँ चाहे जो भी हो जाए, उससे बंदा फ्रेश हो जाते। हाँ अगर कभी कभी दिल ना करे तो बाल नहीं धोती, लेकिन नहाती डेली हूँ। तो अब मैंने फ्रेश हो गई हूँ, अब शेजिल को कुछ खिलाएंगे, उसके बाद नाश्ता करने निकलेंगे। गाड़ी में बैठने लगे ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बारिश में ना अवॉइड ही करना चाहिए, मतलब गाड़ी निकालने से। मैंने कहा क्यों, कहते कि वो गंदी हो जाती है ना, तो कहते मैं भूल ही गया था कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे गाड़ी गंदी नहीं होगी बल्कि साफ हो जाएगी। अभी हम बाहर आए हैं, ये भी गाड़ी गंदी नहीं है बल्कि साफ़ हो रही हैं गाड़ियाँ, और क्योंकि मिट्टी नहीं होती यहाँ पर, वो चीकड़ सा नहीं बनता, तो फिर गाड़ियाँ साफ़ हो रही हैं। तो जी हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे मतलब बंगाली सॉन्ग चल रहे होते हैं। ये देखिए ये रेस्टोरेंट है, हम हमेशा यहाँ पे आते हैं बिकॉज हमें और किसी रेस्टोरेंट का पता नहीं है, तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ आके नाश्ता करते हैं, पाए खाते हैं हम यहाँ पे और पराठा खाते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं खाते। ये अंदर ही इन्होंने ग्रॉसरी स्टोर बनाया होता है, लाइक ये इनका रेस्टोरेंट होता है और यहाँ पे इन्होंने ऐसे ग्रॉसरी स्टोर बनाया होता है कि यहाँ से आप हलाल चीज़ें ले लें और शॉपिंग वगैरह कर लें। इसमें टप वगैरह, पतीलियाँ वगैरह सब कुछ पड़ा होता है। यहाँ पे हलाल गोश्त मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, देसी घी, सब्जियाँ, सब कुछ जो जो मतलब बांग्लादेश से आए, बांग्लादेश के जो पापड़ होते हैं वो भी मिल जाते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो शेजिल को यहाँ के पाए बहुत पसंद है, तो हम हमेशा यहाँ पे आते हैं। हमें अभी किसी और लोकेशन का नहीं पता, जब पता चलेगा तो फिर हम वहाँ पे भी विजिट करेंगे। अगर आप लोगों को किसी अच्छी लोकेशन का पता है तो मुझे ज़रूर बता। अच्छा तो कुछ इस तरह का हमारा नाश्ता होता है, लाइक हम ये दो पाए मंगवा लेते हैं, ये हड्डी के बगैर देते हैं, और ये दो पराठे मंगवा लेते हैं। मैंने एक में मना किया था कि एक में प्याज नहीं चाहिए, उसमें आई थिंक दोनों में नहीं डाला। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो ये मतलब मैं यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना लॉस एंजलिस, इससे आगे समुंदर ही है सारा, बीच वगैरह। तो ये देखें लोगों ने अपनी शिप्स खरीद के रखी हुई हैं कि वो जाते हैं और अपनी शिप पानी में उतारते हैं और उसमें अपना करते हैं। लाइक यहाँ पे लोग अपने ऊपर इस तरह की चीज़ों पे इन्जॉयमेंट पे बहुत पैसे खर्च करते हैं, लाइक जैसे अपनी गाड़ी के पीछे इनका वो पूरा वो घर सा बनाया होता है, इनका कंटेनर होता है पूरा, और इस तरह की चीज़ें इन्होंने लगाई होती है।
तो जी अब मैं घर आ गई हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वहां पे वो जो एक गुलाब जामुन है वो इतना महंगा दे रहा होता है। मैं यहाँ पे ये डिब्बा ले आई हूँ और ये सिर्फ $5 का है, वो 5 की सिर्फ 3 दे रहा होता है। सो ये मैं घर में ले आई हूँ और मैं यहाँ से निकालती हूँ, गर्म करती हूँ और खाती हूँ। ये आप लोग मेरे किचन की हालत देखें, ये सारा गंद डला हुआ है, तो मैं इसको चुटकियाँ बजा के जल्दी से साफ करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा मैंने आपको एक ये चीज़ दिखानी थी। अच्छा यहाँ आके मैंने ये चीज़ बाय की है, यहाँ पे ये सारा इसकी बॉटल्स वगैरह धो के मैं रख देती हूँ डेली की डेली, और इसके साथ ही मैंने इसका ना डिश वॉशर लिया, लाइक बच्चों के एक अलग से डिश वॉशर है। लेकिन अगर हम आम डिश वॉशर से बच्चों की चीज़ें धोते हैं ना, तो उसकी फीडर से स्मेल आती रहती है वो जो शैम्पू की, तो इसकी इसकी कोई फ्रेगरेंस नहीं है और इतनी अच्छी बॉटल क्लीन होती है कि बच्चे का स्मेल भी नहीं आती। मेरी शेजली को तो हर चीज़ से स्मेल आती है, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी जो जो यहाँ रहता है अपने बच्चों के लिए ज़रूर। अच्छा जी अपनी डेली रूटीन तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो जो मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, जो मुझे रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, उन रिक्वेस्ट में एक लड़की थी, उन्होंने मुझे कहा अभी मेरी उम्र 18 साल है और मेरे बाल अभी से वाइट होना शुरू हो गए हैं, तो मुझे उसका कोई हल बताएं। हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते लाइक हम बूढ़े भी हो जाए ना, लाइक हमारी एज होना शुरू हो जाए 50-60 हो जाए हमारी एज, हम कहते हैं हमारे बाल कभी भी वाइट ना आए, वो तो वक्त के साथ आने ही होते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे हमेशा बाल ब्लैक रहें, क्योंकि इससे ही हमारी खूबसूरती में इजाफा होता है। और फिर हम जब हमारी एज थोड़ी ज़्यादा होती है, हम उसको कलर करते हैं ताकि हम खूबसूरत लगें, हम जवान लगें। बट जो जिनकी एज ही नहीं है, वो अभी से ही बूढ़े लगना शुरू हो गए हैं, आई मीन उनके वाइट बाल आना शुरू हो गए हैं, तो वो कितनी टेंशन में रहते होंगे, तो ये वाकई बहुत टेंशन की बात है। तो मैं अब आपको डराऊंगी नहीं कि जी आप में ये कमी है, ऑफकोर्स किसी चीज़ की कमी होती है आपके अंदर, फिर ही आपके वाइट बाल आते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डराऊंगी कि आप में विटामिन ए की कमी है, आप गाजर खाएं, बिल्कुल भी नहीं डराऊंगी। मैं आपको इजी और क्विक हल बताऊंगी जिसको आप लगाएं और आप ठीक हो। पहले मैं आपको बताऊंगी जो आप गलतियां कर रहे हैं, ये जो आपने गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से आपके वाइट बाल आए। तो अगर आप लोग डिहाइड्रेट रहते हैं, लाइक आप लोग पानी नहीं पीते ज़्यादा, तो आपके वाइट बाल आते हैं। मैं आपको मेन चीज़ें बता रही हूँ जिससे आपको टेंशन ना हो। अगर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बॉडी में इस चीज़ की कमी है, तो आपको टेंशन होगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेट रहते हैं, तो आपको वाइट बाल आते हैं। और अगर आप दूध नहीं पीते, आजकल की लड़कियाँ मुझे पक्का पता है कोई दूध नहीं पीता, अगर आप दूध नहीं पीते उसकी वजह से आती हैं। और अगर आपने बहुत ज़्यादा केमिकल्स अपने सर पर यूज़ किए हैं, लाइक आपने ब्लीच की हुई है, आपने कलर करवाए सस्ते कलर की हुई है, बहुत ज़्यादा स्प्रे की हुई है, बहुत ज़्यादा जेल लगाई हुई है बालों में, उससे वाइट बाल आते हैं। ये हो गया कि जी वाइट बाल क्यों आते हैं, और भी बहुत सारी कमियाँ होती हैं, विटामिन ए की कमी होती है, मतलब आप लोग नहीं ले रहे होते वो चीज़ें, उसकी वजह से होती है। ये वीडियो देख के कोई भी लड़की नहीं खाने वाली, क्योंकि लड़कियाँ कहती हैं मैंने नहीं खाना, मुझे स्मेल आती है बेसन दाल। मैं आपके साथ वही बात शेयर करती हूँ जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं होती ना, वह मैं अपनी मामा से पूछती हूँ, मैं उसके ऊपर रिसर्च करती हूँ कि ये क्यों है क्या है, फिर जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि कल कोई आके मुझे ऐसे दुआएँ ना दे, बल्कि दुआएँ दें कि आप ही ने हमें बताया था तो हमारा ठीक हो गया। खैर अगर आप लोग दूध पीना शुरू कर देंगे और पानी पीना शुरू कर देंगे, और वो चने नहीं होते कच्चे चने जो होते हैं, वो जो येलो कलर के मिलते हैं कच्चे या भुने हुए चने जिनको कहते हैं, भुने हुए चने खाना शुरू कर देंगे और कुछ नहीं, अरे आंवला और एलोवेरा का जूस पिए, तो मैं 110% कह सकती हूँ कोई भी लड़की ये नहीं पिएगी, क्योंकि गंदा टेस्ट। ऑफकोर्स मैं भी हूँ तो मैं भी बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी। हाँ मैं दूध पी सकती हूँ, हाँ मैं पानी पी सकती हूँ, हाँ मैं चने खा सकती हूँ, ये बिल्कुल अच्छी टेस्ट है और मज़ा भी आएगा। पहले अगर आप ये दूध और पानी और चने खाना शुरू कर देंगे ना, इससे आपका दिमाग भी तेज़ होगा। ये जो बाल है ना, ये हमारे सर पे उगे हुए हैं, सो सर के अंदर दिमाग है, दिमाग कमज़ोर रहता है तो बालों में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम टेंशन लेते हैं हमारे बाल उतरते हैं। ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये हमारा कंप्यूटर है, अगर हम अपना कंप्यूटर ठीक रखेंगे ना, तो हमारा पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक रहेगा। बारी आती है रेमेडी की, लोहे की कढ़ाई में डाल लें, जितना तेल आप सर पे लगाते हैं उतना तेल डाल लें, आप इसको बना के भी रख सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ नहीं करना, मतलब आप एक बॉटल ले लें तेल की, उसको पूरे कढ़ाई में डाल दें, कढ़ाई में डाल के उसके अंदर 2 चम्मच भर के पत्ती की, जिसकी हम चाय बनाते हैं ना, उस पत्ती की डाल देनी है उसके अंदर, उसको मिक्स कर देना, उसको अच्छे से गर्म कर लेना, जब वो गर्म हो जाए उसको स्टेन करके, यानी कि उसको छान के बॉटल में डाल के, तो आपने उसको रख लेना, स्टोर भी कर सकते हैं हम उसको। नहाने से आधा घंटा पहले आप उसको वाइट बालों में लगाएं। मैं आपको हर बार एक ही बात कहती हूँ कि सारी रेमेडीज़
मिक्स करके बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि आप यहाँ अनियन एंड राइस का पानी भी लगा रहे हैं, साल पत्ती वाला तेल भी लगा रहे हैं, इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। एक टाइम पे सिर्फ एक चीज़, तो आपने तेल के अंदर जो पत्ती डाली है उसको अच्छे से गर्म कर लेना, यानी कि उबालना नहीं है लेकिन अच्छे तरीके से गर्म कर लेना, ताकि जो पत्ती का रंग है वो उसमें आ जाए। उसको स्टेन करके फिर नहाने से आधा घंटा पहले आप लोगों ने अपने जड़ों में लगाने, वहाँ वाइट बाल हैं नहीं है वहाँ पर आपने पूरी जड़ों में लगा लेना। ज़रूरी नहीं है आप लेंथ पे लगाएं, क्योंकि लेंथ पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, फ़ायदा ये होता है कि आपके बाल जो सूखे होते हैं वो थोड़े राइज हो जाते हैं, लेकिन जो फ़ायदा है वो असल ये रूट्स में है। हर चीज़ रूट्स में अप्लाई किया करें। तो ये आपने लगाने, आधे घंटे बाद आपने नहा लेना है। यही आपने ये जो काम है पूरा मंथ करना है, आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे। पूरे मंथ से मुराद ये है कि रोज़ नहीं लगाना, रोज तो ऑफकोर्स कोई नहीं नहाता। एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते हैं या दो दिन छोड़ के नहाते हैं। अगर आप दो दिन छोड़ के नहाते हैं तो आपने दो मंथ लगाना है, अगर आप एक दिन छोड़ के नहाते हैं तो आपने एक मंथ लगाना है। तो ये थी वो रेमेडी जो मुझे लड़कियाँ पूछ रही थी। और ये वाकई बहुत टेंशन की बात है कि जी एज भी नहीं है और आप बाल खोल के आ रहे हैं तो जी आपके बाल भी वाइट होते जा रहे हैं। तो आप दूध पीना शुरू करें, आपको दूध नहीं पसंद उसमें चॉकलेट डालें, उसमें कॉम्प्लान डालें, उसमें कुछ भी डालें, रूह अफज़ा डालें, लेकिन दूध ज़रूर पिया करें। आप ताकत वाली चीज़ें अंदर खाएंगे तो ही आपके अंदर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप रेमेडियाँ लगाते रहें अंदर आपके अंदर कुछ भी नहीं है। दोनों चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। मैं भी पानी ज़्यादा नहीं पीती, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन मैंने आजकल पीना शुरू किया हुआ है। आजकल नहीं, मतलब जब शेज़िन होने वाली थी तब भी मैं बहुत पानी पीती थी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी देखने में तो कुछ भी नहीं है कि फिजबत तो पानी है, इसमें क्या है ना कोई केमिकल, लेकिन उसके बहुत फ़ायदे हैं। हम ड्रिंक्स पी रहे होते हैं ऐसे भर भर के, उसी जगह अगर हम पानी पिए ना तो हर चीज़ का हल हो जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही मैं अब आपके लिए व्लॉग लाती रहूँगी, लाइक थोड़ी सी रूटीन शेयर कर लूँगी, और आपकी जो आपने मुझे कमेंट्स किए होते हैं आप ये बता दें, उसके साथ आपको टिप दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।